When you feel bad, दोस्तों आप bad feel कब करते हैं? जब आप problem में होते हैं, या फिर जब आप कभी अकेले पड़ जाते हो तो आपको वो चीज, वो वक्त अच्छा नहीं लगता। अकेले में भी आप bad feel करना बंद करो, आपका mood जो bad feel कर रहा है उसको change करो। अच्छा feel करने के लिए आपको करना क्या है? Simple simple activity करना है। आप अपने family, बच्चों को involve करो। वो नहीं है, समझो आप अकेले हो, तो आप उस कंडीशन में जब आप बैड फील कर रहे हो तो सबसे पहला काम करो, आप अपने पैशन के ऊपर काम करो। जब आप अकेले हो, बैड फील कर रहे हो, तो सबसे पहले वहां से अपने माइंड को डाइवर्ट करो और अपने पैशन को बाहर लेके आओ। आपको कौन सा चीज करने में अच्छा लगता है, आप कौन सी एक्टिविटी आज आसानी से कर सकते हो, वो चीज को आप धीरे धीरे करना शुरू करो। क्योंकि कैसा है कि जब हम अपने किसी पसंद की चीज को करने लगते हैं तो हमारा मूड अचानक से अप हो जाता है, हमारा जो मोरल है अचानक से अप हो जाता है, उसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि अरे यार ये चीज तो मैं आराम से कर सकता हूँ, इस चीज के लिए मेरे को बहुत ज्यादा किसी से फोर्स करने की जरूरत नहीं, कोई मेरे को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ। और वैसे चीज करते जाओ, छोटी छोटी चीजें हैं, आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो ऐसे टाइम में, या फिर अगर लिख नहीं सकते, आपको लिखने में अच्छा नहीं लगता, तो कुछ आपके पास पुरानी बुक्स होंगी उसको पढ़ सकते हो। अगर बुक्स नहीं है, समझो आपको लिखने पढ़ने में मजा नहीं आता, कोई बात नहीं, आपके पास आज YouTube अवेलेबल है, YouTube पे आपको जो पसंद है वो देख लो, चाहे कोई गाने हो, नए हो, पुराने हो, कोई मूवी हो जिससे आपको कुछ लर्निंग मिल सके, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच हो, कोई इंस्पिरेशनल स्पीच हो, ऐसे बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो जिससे आपका जो बैड फीलिंग है वो दूर हो जाए। तो अकेले में बैड फील करने से बेटर है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे आपका मोरल अप हो सके, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने आप को एजुकेशन में लगाओ ताकि आपका सेल्फ ग्रोथ हो सके। जब आप सेल्फ ग्रोथ करोगे तो आपका जो बैड फीलिंग है वो अपने आप आउट होता जाएगा और उस चीज से आप बाहर निकलते जाओगे जो कि आपको कहीं ना कहीं गहराई में डिप्रेशन में डालने का काम करता है। तो बैड फीलिंग अगर आपको हटाना है तो आपके पैशन को, जो चीज आपको पसंद है उस पे काम शुरू कर दो, उससे आपका बैड फीलिंग दूर हो जाएगा। दोस्तों ये पेंडेमिक सिचुएशन है, कुछ दिनों के बाद निकल जाएगा, लेकिन कुछ दिन हमको अपने आप को संभाल के रखना है, अपने फैमिली को संभाल के रखना है। दोस्तों मैं दिल से बोलता हूँ कि आज आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने काम धंधे बंद करके घर में बैठो, नहीं, आपका जो जरूरी काम है उसको करो, बट अपनी सावधानी रख के, क्योंकि आप खुद को स्वस्थ रख पाओगे तभी काम कर पाओगे। खुद को सेहतमंद सुरक्षित रखो, कहीं भी माहौल में जहां बहुत ज्यादा क्राउड जमा होता है वहां पर सबसे पहले सबकी जिम्मेदारी है कि खुद को बचाएं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा बगल वाला कैसा है और हमें जानना भी नहीं है कि बगल वाला कैसा है। हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में, अपने परिवार की सुरक्षा खुद करनी है कि हाँ भाई मैंने मेरे परिवार की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी खुद उठाई है और मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, और यही समय की मांग है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।